पुस्ताना का मुख्यमंत्री आपको पटना आने से रोकने के लिए 46 जगह नाकाबंदी किया। आप स्कूल से ना निकल पाए, प्रधान सचिव डायरेक्टर धड़ाधड़ कई पत्र जारी कर दिया। इसके अलावा खौफ का माहौल बनाने के लिए तमाम प्रयासें की गई। गांधी मैदान बंद कर दिया गया, गांधी स्टेडियम को गलत तरीके से सील कर दिया गया। आपका आंदोलन तमाम बाधाओं को जीत के 5 सितंबर को ऐतिहासिक रूप से सफल हुआ, जो बोलने का बात नहीं है कि सफल हुआ, या कोई भाषणबाजी का मुद्दा नहीं कि यहाँ आके बोल रहे हैं कि सफल हुआ। 16 साल से जो भाईमान यहाँ विकसित कर रहे हैं सब मौजूद है, और 16 साल से हम लोग नीतीश कुमार जी को कह रहे हैं, दोनों बहुत बड़ा सच है। या 16 साल के आंदोलन के इतिहास में 2003 से आती है सब लोग यहाँ पे विकसित करता है। 16 साल के आंदोलन के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतना निरंकुश और तमाशा बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कभी इस तरह से आपको रोकने का प्रयास किए हो पटना में, या इस तरह से आपके पटना आने पर फाइल उल्टा उल्टा के आपके बारे में जवाब दिए हो कि हम ही करेंगे। 8 मई विपक्ष ने कहा था आप अयोग्य है, हम देख रहे थे उनका बयान यहां से घर पहुंचने के बाद रात में, तो फाइल निकाले थे, शिक्षा निकाल निकाल के बोल रहे थे 2008 में कौन बोला, तो हम 6 में क्या किए थे, तो हम अभी क्या करने वाले हैं। तो जो मुख्यमंत्री को आपने इतना विवश कर दिया कि वह आपके बारे में पूरा स्टडी करके आता हो और आपके लिए बोलने पर विवश हो गया हो कि हम करेंगे, इसका मतलब है राजनीति से ऊपर उठने का जरूरत है। आपका आंदोलन एक दिशा पकड़ लिया है और इस तमाशा मुख्यमंत्री को आप लोगों ने झुका देने का काम किया। तारीख नहीं बजाना, बहुत सारे लोग दूसरे संगठन से उनसे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आंदोलन दिशा पकड़ लिया है और उस दिशा में जाने से आनंद कौशल को सफलता के जिस शिखर पर इस आंदोलन को जाना है वह आनंद कौशल भी रोक नहीं सकता, वह जाएगा। हम क्या किए 5 सितंबर के आंदोलन को सफल बनाने के लिए, कुछ नहीं किए, और इतना रुकावट के बाद बिहार के कम से कम 1 लाख शिक्षक तो आए हुए हैं, 1 लाख से तो कम आने का सवाल नहीं है। 1 लाख शिक्षक आने का मतलब है जो 5 कैबिनेट सीट करता है बहुत यहां बैठे हुए, 5 में भी उस तरह इस तरह का रुकावट नहीं था, इस तरह का बंदिश हम लोग के पास, लेकिन 5 के भी आंदोलन को उस समय नेतृत्व था, उस समय भी सारे लोग कहीं ना कहीं अपने नेतृत्व में शिक्षक को लेकर पहुंचे थे, और 5 सितंबर को मात्र आह्वान मात्र से क्या चल रहा है बिहार, समझने का कोशिश कीजिए। किसी भी संघ थोड़ा संघ ये राजनीतिक दल थोड़े चले भाजपा राजेंद्र भाजपा जो बोल दे रहा है बस, तो कमल लेके दौड़ पड़े तीर चलाने लगे लाटे चला दे। अरे भैया आपका लड़ाई है, आवेदन मन होगा तो आपका होगा, सारे भाई बहन का एक साथ होगा। आंदोलन अगर दिशा में जा रहा है तो उसको दिशा से उतरे नहीं, इसके लिए विचार विमर्श होना चाहिए। और हम आभार प्रकट करते हैं अपने भाई, आप खुशी भी है कि संघ के तरफ से बयान रखे, बहुत दिन से देख रहे थे कुछ बातें आ रही थी सामने में, नाराज चल रहे थे, हम सब जगह कहीं फिर हमारा संगठन का एक टुकड़ा में बट गया, पप्पू जी का क्या दिक्कत है, लेकिन आज बहुत धन्यवाद देते हैं हम पप्पू जी को कि उन्होंने अपने संगठन को संभाला, इसके लिए भी हम उनको धन्यवाद देते हैं। और बहुत सही बातें उन्होंने रखी है यहाँ पे, ये अहंकार का विषय नहीं है, कौन क्या कर रहा है, काहे नहीं पप्पू जी आ रहे हैं उन पर हमको संज्ञान लेना चाहिए, काहे नहीं बंसीधर ब्रजवासी जी आ रहे हैं उन पर हमको संज्ञान लेना चाहिए, जो ऐसे नेतृत्व करता है जिनके ऊपर बिहार के शिक्षकों का विश्वास है और जो बिहार के शिक्षक आंदोलन में अपना वजूद बहुत तपस्या करने के बाद बनाए हैं, अगर वह किसी कारण से नहीं आ रहे हैं उस पर हमको संज्ञान लेना चाहिए। हम मानते हैं कि आज हमारा नेतृत्व नहीं है बिहार में, इस भ्रम से हम ऊपर है, राजू जी के बाद तो हम समर्थन करते चले गए क्या निकल गए, अच्छा बात बोलते निकल जाते हैं सुनते नहीं, वह कहे है कि हम जो है समर्थन बिहार का सिर्फ बिल्कुल सही बात, 5 तारीख पर जिस तरह से बाधा उत्पन्न किया गया, जिस तरह से खौफ का माहौल पैदा किया गया और जिस तरह से समन्वय समिति के एक वीडियो जारी होने से
शिक्षकों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई, उसके बावजूद भी उतना ज्यादा शिक्षकों का आक्रोश पटना की धरती पर देखने को मिला। यह हम जैसे नेताओं के बल पर नहीं हो सकता था, यह आम शिक्षक खुद नेतृत्व की भूमिका में आ गए हैं, इसलिए हम लोगों को आगे आगे चलना पड़ेगा। अगर नहीं चल सकते हम आगे आगे, अगर इतना ही अराजकता हो गया है, हमारा नगर दिशा से भटक गया है, तो हम लिख के देते हैं आज अपनी तरफ से यहाँ पर कि हाँ, हम समन्वय समिति के सारे ये बहुत गलत दिशा में आंदोलन को लेकर चला गया है, हम इससे अलग होते हैं। हमारा अगर हैसियत है तो हम लिखते, और अगर हमारा हैसियत नहीं है तो हम इसको दिशा, जो जिस दिशा पर यह आंदोलन आगे बढ़ चुका है उसमें गलतियां हुई, बहुत गलतियां हुई। किससे गलती नहीं हुआ है सर, किसके? हम तो सर से उस दिन भी कहे कि जो भी आपको यह सलाह दिया कि आप अपना वीडियो में ये बात बोल करके जारी कर दीजिए, वह आपका इस उम्र में अपमान कराना चाहता है। आपका पूरा स्टडी पढ़कर, आपके जीवनी को पढ़कर जब भाषण देता कि आप किस तरह से जेल में थे, किस तरह से, तो सारा लोग और जो लोग भी यह सलाह आपके बगल में दिए कि समन्वय समिति के सदस्यों को, घटक समूह को दरकिनार कर आप आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा कर दे, वह आपके जीवन को नरकीय बनाना चाहते हैं इस उम्र में, उनसे सावधान रहिए और उनका नाम आज समन्वय समिति के बैठक में उजागर कीजिए कि कौन वह आदमी है जो इस तरह का सलाह देकर पूरे आंदोलन को भटकाना चाहता है। हम लोग उनसे लिखते, जो कोई भी ऐसे सलाहकार है वह सावधान हो जाए। आनंद कौशल शिक्षक नहीं है, दुनिया नहीं है, इस सबसे हमको मतलब नहीं है, जो बोलते हैं हमसे फर्क भी नहीं पड़ता है। लेकिन इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए जान दे देंगे, इतना आपको विश्वास दिलाते हैं और यह प्रण आपके बीच में लेते हैं कि इस आंदोलन को न सरकार को भटकाने देंगे, न अपने से भटकने, न हम उसमें शामिल होंगे, न किसी को ऐसा करने देंगे। जब हम आपके सम्मान और बहनों के सम्मान के लिए जेल तक जा सकते हैं, 15-15 दिन तक अनशन से कर सकते हैं, गरीब का किसान बेटा नौकरी त्याग करके सरकार से संघर्ष कर सकता है, तो आप लोग कुछ लोग बोलते हैं उसे हमको परवाह नहीं कि क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं। लेकिन जो कोई भी इस आंदोलन को भटकाने का कोशिश करेगा, तो जब हम अपना जान दे सकते हैं तो और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आइए भ्रम में ना रहे, किसी को भटकाने नहीं दिया जाएगा। हमको बहुत खुशी है कि 2 घंटे के बाद आए सर बयान से पढ़ते, कोई कह रहा है कि इनके मुंह में कह रहे थे सर बड़े भाई हमारा, इनके मुंह में कोई आवाज डाल सकता है? जो सांसद पैदा करते हैं, पैदा नहीं करते हैं, इनका बच्चा सांसद है रहा, इस तरह का इनका अपना संस्कार है, इतने मजे हुए लोग हैं और इनके मुंह में कोई आवाज डाल दिया, यह समझ गए अगर हम यह निर्णय नहीं लेते हैं तो हमारा बुरा हाल होगा। समन्वय शिक्षक बिहार के बहुत आक्रोशित है, निर्णय लिए, इनके पास हजारों फोन आ चुका है। गांधी मैदान में समन्वय समिति की बैठक चल रही थी, मैं नहीं गया, तोड़ने से कोई भला नहीं होने वाला। समन्वय समिति को प्रदीप कुमार पप्पू को आगे बढ़ाकर के, आनंद कौशल को आगे बढ़ा के, ब्रजवासी को आगे बढ़ा के तोड़ने का प्रयास जो लोग कर रहे हैं वह निरर्थक है, वो सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि समन्वय समिति ये एक लगातार अभी जो काम हम 16 साल में नहीं कर सके, वह 3 महीना में समन्वय समिति के बैनर के नीचे जो आंदोलन चला, आप देख लीजिए 18 जुलाई का 1 दिवसीय आपका धरना, एक धरना नहीं था प्रदर्शन, उसमें भी कहा आनंद कौशल जेल चला गया था और राजनीति करता है, क्या मतलब चेहरा चमकाने, क्या चेहरा चमकाना चाहते हैं? बोरा का बोरा न्यूज पेपर घर में पड़ा है, टीवी का इतना बाइक चला है, क्या चेहरा चमकाना चाहते हैं? चेहरा चमकाना चाहते तो सब लोग एक एक दिन हाजत में रहिए, 9 दिन जेल में रहिए, विधानसभा 2 दिन तो ठप होगा, पूरा जांच को बैठेगा सरकार के ऊपर, ऐसा हौसला मत। आपका भाई आपसे कुछ मांगता है, घर का अनाज खाता है, कहीं कोई सुने है क्या, प्रतिद्वंदी भी है, दूसरे संगठन के भी है, तो बताइए कि किसी जिला में आपको पता चला आनंद 1 रुपये का किसी शिक्षक की दलाली खाया है? नहीं, अगर ऐसी बात है तो हमारा हौसला क्यों तोड़ते हैं? क्या बिगाड़ रहे हैं आपका? 5 तारीख को कौन है, नहीं है, भीड़ आया, जितना शरीर में भगवान और आपके आशीर्वाद से ताकत था, इस आंदोलन को सफल संभाल करके सफल बनाने में अपना कार्य किए। हम तो नहीं कह रहे हैं किसी के ऊपर कोई टीका टिप्पणी, और आप टीका टिप्पणी करके हमारा मनोबल तोड़ दीजिएगा, क्या भ्रम में है? कुछ नहीं होगा, टीका जितना टीका टिप्पणी कीजिएगा उतना ही मजबूती से अपने संघ को लेकर आगे बढ़ेंगे, और बिहार में नंबर 1 संघ बन जाएगा, इसलिए हमको ज्यादा रोकने का कोशिश मत कीजिए। जितना लोग रोक रहे हैं आज आप भी अहिंदे पर आवाज देकर पूछ लीजिए कि किस स्थिति में आपके जिला में मेरा संगठन है, तो रोकिएगा तो बढ़ेगा, हम पढ़ेंगे सिर्फ आंदोलन की सफलता के।
लिए। हमको आपसे कोई अदावत नहीं है, किसी से कोई अदावत नहीं है, लेकिन हम अध्यक्ष महोदय, समन्वयक महोदय से या संयोजक महोदय से अपील करते हैं कि किसी के बहकावे में मत लेते। जरूरी है प्रदीप कुमार पप्पू, जरूरी है बंशीधर ब्रजवासी, जरूरी है आनंद कौशल आपके रूप साथ खड़े रहने के लिए। इस आंदोलन को सफल बनाना है और इसी सरकार से, इसी बजट सत्र से पहले अगर हमको समान वेतन, सेवा सत्र और आपका पेंशन हासिल करना है, यह सब आपके बगल में दिखना चाहिए, तभी बिहार में सफलता जल्दी आप मार्ग वहां तक पहुंच सकते हैं। कोई भी कहता है प्रदीप कुमार पप्पू क्या बोलता है, बोलने दीजिए। आपको कौन बोला है प्रदीप कुमार पप्पू? प्रदीप कुमार पप्पू का कोई वीडियो आया है क्या? ताहे नहीं बंशीधर ब्रजवासी जी को बुलाया जाता है क्या? अछुआछूत का बीमारी है? इन सब से दूर होकर तो हम आपके शरण में आए हैं कि हमको आप एक सही दिशा दीजिए, एक सही मार्ग दिखाइए। आपके आपका पौरा पानी अच्छा है, 70 रुपए में बाहर लोगों को आप आज 1 लाख रुपए वेतन दिलवा रहे हैं। हम सब जगह से लड़ झगड़ के इतना दूर तक पहुंचे और आपके साथ आए हैं कि हमको नियमित शिक्षक का दर्जा मिल जाए। आपका आशीर्वाद इस समय में हमको मिलेगा। आप इतना आज तक संघर्ष जो तपस्या किए हैं वह सब तपस्या का फल हम नियोजित शिक्षक आशीर्वाद के रूप में चाहते हैं। तो हमको एक, आप अपने घर में बच्चों को संभाले हैं, सांसद हैं आपके बेटे, मंत्री रहे हैं, सब लोग को आप संभाल के परिवार के रूप में रहते हैं। हम लोग क्या चीज है आपके सामने? आनंद कौशल कितना बड़ा दुकान हो गया, प्रदीप कुमार पप्पू जो नहीं समझेंगे। हम उम्मीद और अपेक्षा आपसे करते हैं कि आज के बैठक में आगे के आंदोलन का, चरणबद्ध आंदोलन का घोषणा हो। हड़ताल हम करेंगे जनवरी में, अभी घोषणा कीजिए। फरवरी में करेंगे, अभी घोषणा कीजिए। क्या दिक्कत है सरकार से, क्या लुका छिपी का? सरकार को टाइम दीजिए कि हम इतने तारीख को ये करने जा रहे हैं, अभी 1 महीना टाइम है, आप हमारी मांग को पूरा कीजिए। 3 दिन पहले लिख के दे देंगे, उसको कहां से मिलेगा? सरकार को आप क्या क्या आंदोलन करना चाहते हैं आगामी 1 दिन के? सर बोला कि अभी पर्व है, ठीक है, पर्व के बाद हम क्या करेंगे? कौन सा किला ढा देते पटना का, वो तो अभी बता दे सरकार को लिख के कि हम दुर्गा पूजा के बाद तालाबंदी कर देंगे, दुर्गा पूजा के बाद सारा गैर शैक्षणिक कार्य छोड़ देंगे, दुर्गा पूजा के बाद हम मूल्यांकन में शामिल नहीं होंगे, दुर्गा पूजा के बाद हम क्या क्या करेंगे? इसकी नीति बननी चाहिए। तमाम भाई हमारे यहाँ आपके पास आए हैं, कल पुनः कंटिन्यू कीजिए बैठक। हम लोग पटना में रुके हैं और बैठक कंटिन्यू कीजिए, अभी से लेकर चलाते रहिए बैठक, जब तक किसी निष्कर्ष पर यहाँ आने से और अब भाषण देकर जाने से हमको भी शिक्षक नहीं बन सकने वाला। हमारे संघ से जुड़े जो शिक्षक है वो अभी बड़ी दबाव में, हम पूछे थे अभी कुछ दिन पहले फेसबुक पर कि समन्वय समिति का बैठक है क्या? बोला ड्रामा मत कीजिए, निर्णय लेके आइए। क्या हुआ ना? बोला आंदोलन ये सब एक बार कहता है कि समन्वय समिति को टूटना नहीं चाहिए, आपका नाम अखबार में नहीं छपता है तो नाराज मत होके तोड़िए मत। आंदोलन इस पर बढ़ चला है, इसके लिए सही बात है भाई सर का, बिपिन भाई का, अब बिपिन बाबू में दोनों बिपिन बिहारी के, थोड़ा दिक्कत, सही कहना है, एक बना लीजिए। हमारे प्रखंड में 300 शिक्षक है, सब हमारे सदस्य हैं, तो क्या सब पदाधिकारी है? इस समन्वय समिति में अगर 28, 30, 35 सदस्य है तो क्या सारे के सारे? ऐसा कैसे चलेगा? आपने बनाया, संयोजक बनाया, मीडिया प्रभारी बनाया और बना लीजिए 7 लोगों का कमिटी, 10 लोगों का कमिटी बना लीजिए, कोई रोका नहीं है। जो सबका निर्णय होता है, जैसा निर्णय होता है वैसा बना लीजिए, लेकिन अराजकता का स्थिति जो पैदा हो जाता है सर, हम बहुत विनम्रता से कहना चाहते हैं, 1 लाख लोग अगर उस दिन और जो पटना आने से वंचित हो गए और इस वहापोह की स्थिति में, हम कल अपना जिला भी सर्वे किए, एक सीआरसी में हमको जाना पड़ा क्योंकि वहां पर ऐसा था कि सब के सब दो सीआरसी हड़ताल भरे थे कॉलम में, अचिंतित थे। एक प्रखंड में जाना पड़ा, वहां पे 250 लोग एक संपूर्ण में हड़ताल भरे थे, चिंतित थे कि क्या होगा मेरा। सही बात अभी किसी ने यह भी सही कहा कि आप जो है बयान जारी करके, बयान जारी करने में क्या है, इस बयान को हम लोग दे रहे हैं अपना बयान कि हाँ जो लोग हड़ताल में उनकी रक्षा करेगा समिति, उनका समर्थन कराएगा समिति, यह समन्वय समिति के संयोजक के हिसाब से। ऐसे नहीं जारी किए तो कोई बात नहीं, आज बैठक है, आज इसमें रखिए कि जो भी घटनाएं घटी है, जो एक भाई हमारे बीच में आपके बीच में उठाए सवाल कि एक शिक्षक वो हमारे उनके वही जेल गई थी, गिरफ्तार हुई थी, वही बहाना को छुड़ाने के लिए हम लोग सब लोग उन पुलिस के जम्मू में फंस के और जेल तक का सफर किए, सरकार का यातना चले। उनका मामला पुराना है लेकिन अभी उनका निगरानी में केस किया था, उसका ब्रीज लीजिए, उनका सही सभी प्रमाण पत्र सही है, कहीं से कोई उनका दिक्कत नहीं है। इस तरह का मामला बहुत है, जम्मू में भी दो शिक्षिका के ऊपर
निगरानी गलत केस कर दिया, कोर्ट में मामला चल रहा है, इसलिए हम लोगों ने कहा कि कोर्ट से न्याय अगर आपको मिलेगा उसके बाद हम लोग निगरानी के पीछे भी जाएंगे कि क्यों ऐसा कर रहा है। अब इसमें कुछ लोग कह दिया हो कि आनंद कौशल से, अब आनंद कौशल कोर्ट से ऊपर कैसे हो जाए, जब उनको बेल कराना था तो तल लेके उड़ गए बिहार में कुछ लोग संघ संगठन के खेल में। अरे बाप रे बाप, जान मिले क्या जान मिले, उसी दिन हम मिले वो कहां जेल जा रहे थे, तो सारे के सारे कोई पीछे आगे बढ़े नहीं, उनके हम आगे बढ़े थे, उनका हौसला बढ़ाए, जेल तक उनके साथ गए, तो उल्टे लोग हमारे पीछे, हमारा ना कोई जान पहचान था उनसे। उसी दिन 18 जुलाई को वहां मुलाकात थी, जब 6 महीना पहले उनके ऊपर केस हुआ तो हमसे दुर्भाग्य से बात हुआ, हम बताए कैसे ऐसे है, आप जाइए वहां करिए। तो ये इस तरह से मतलब दुर्भावना से ग्रसित होकर निर्णायक समय में काम ना किया जाए। अगर आनंद कौशल किसी के पीछे ऐसा करता, हम नहीं चाहते, हम नहीं कर सकते क्या, हमसे ज्यादा मजबूत नेटवर्क है सोशल मीडिया में, क्या किसी का, हम चाहेंगे तो 5 मिनट में किसी का भी ढोल बजा, लेकिन आज तक कोई उठाकर एक कॉमेंट वगैरह नहीं दिखा सकता है कि हम किसी के पीछे पड़े, इसका मतलब क्या, क्योंकि आंदोलन को दिशा से भटकाना नहीं चाहते, इसलिए बिना वजह के बातों से दूर रहे, निर्णायक दौर से हम लोग गुजर रहे हैं और हमको रोका नहीं जा सकता है, हम आपके हर आदेश को सर झुका के साथ पालन करेंगे, लेकिन आप कहिएगा कि आनंद कौशल जान देके आंदोलन को सफल बनाता है तो उसको रोक देंगे, वह कतई संभव नहीं है, क्योंकि मेरा प्रण है हम जाति से राजपूत है, जब राजपूत ही का इतने मतलब समझ में आता है कि जो वचन दिए हैं उसको सर कटाकर पूरा करेंगे, लेकिन पूरा करेंगे, यह बात आप लोग मान लीजिए, दूसरा जात पात का हमको अर्थ नहीं समझना, हम संकल्प भी है, वो वचन दिए अपने भाई बहन को, अपने संघ से जुड़े भाई बहन को हम वचन दिए है कि हम मर जाए या मिल जाए आपको आपका अधिकार बनाने के लिए संघर्ष करते रहेंगे, संघर्ष के मैदान में अगली पंक्ति में खड़े रहेंगे तो खड़े हैं, अब अगली पंक्ति में खड़कर मरण मरने के लिए खड़े हैं तो पेट में दर्द हो रहा है, मंच हटे ये लोग मेरे पार्थिव शरीर पर भूल, लेकिन बिना वजह का पेट में दर्द होना कीजिए, कितनी खराब हो जाए, टेंशन भी नहीं है, दिक्कत हो जाए, इसलिए हम समन्वय समिति के इस बैठक में आए हैं, शिक्षक का बहुत दबाव है, अगला आंदोलन का शेड्यूल जारी करिए, कब से क्या करना चाहते हैं आप कहिएगा, 2-3 दिन बैठिए, हम बैठने के लिए तैयार हैं, करबद्ध प्रार्थना हम सभी साथी से भी करेंगे कि बिहार के सरकार को अगर आप भ्रमण कर देता है, सरकार जब कहेगा कहेगा हमको कुछ बोलने नहीं किया आ जाता है, तो उसको या अक्सर नीतीश कुमार जैसे मंझे हुए मुख्यमंत्री को, तमाशा मुख्यमंत्री को बदल दीजिए, उनको प्रॉपर सूचना दीजिए कि हम 1 महीना के बाद यह कार्यक्रम करने जा रहे हैं, मान नहीं मानिएगा तो 1.5 महीना के बाद यह करेंगे, मान नहीं मानिएगा तो 2 महीना के बाद यह करेंगे, उस तरह का शेड्यूल उनको बना करके आज के बैठक के बाद दिया जाए, चाहे वह आपका 1 महीना के बाद से शुरू करने वाला आंदोलन हो या 15 दिन के बाद से आंदोलन हो या कली से तालाबंदी करना चाहते हैं कली से, जो भी समन्वय समिति का निर्णय होगा उस पर बिना राजनीति किए हम और हमारे संगठन के सभी साथी और हमारे संघ के सभी सदस्य जान की बाजी लगाकर प्रखंड से लेकर जिला से लेकर राज्य तक आंदोलन और समन्वय समिति के संघर्ष के कार्यक्रम को सफल बनाने का वादा करते हैं, यह अपने संघ के राज्य अध्यक्ष होने के नाते हम आप लोगों के बीच में रखते हैं, बहुत बातों से हमको मतलब नहीं, हम यही चाहते हैं कि समन्वय समिति में जितने लोग चाहे वह कमजोर है बलवान है किसी को अलग रखिए, सबको रखिए, लेकिन एक कमेटी बनाइए, जो बातें आई है प्रदीप कुमार बब्बू जी के संघ की तरफ से उसका हम समर्थन करते हैं, कमेटी बनाइए, कमेटी बना के उससे क्या होगा सर कि आपको सहयोग मिलेगा, वचन देते हैं हम कि हम आपको कभी परेशान नहीं होने, उस दिन आपके इतनी भीड़ में आप आए, हम लोग अपना जान पर खेलते आपको धक्का मुक्की से बचाए, आपको बचाए रखेंगे, आपके नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन आपको कुछ होने भी नहीं देंगे और आपके आशीर्वाद से आर पार की लड़ाई करेंगे, जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन इसी साल यही निरंकुश सरकार से समान वेतन और सेवा संघ लेकर रहेंगे, यह आपको भरोसा दिलाते हैं, मरवाने का जरूरत नहीं है, हम लोग को संभालना तो देख रहे हैं, अगर प्रदीप कुमार बब्बू नेता थे बिहार में शिक्षक का कैगो हो गया निकल निकल, तो बहुत महत्वाकांक्षी भी हम लोग आंदोलन को बाहर में फेल देंगे, लेकिन अपना अध्यक्ष बनते रहेंगे, उस लाइन में हम भी खड़ा, हम अपने आप को बाहर नहीं कर रहे हैं, हम भी उस लाइन में खड़े हैं, लेकिन अब बहुत दिक्कत है, सब लोग रिटायर, अब देखिए हमारे राज्य के सचिव चाहते हैं आप राजनीतिक की जगह आप 3 साल में रिटायर होने वाले हैं, सर प्रेशर बहुत है, हमको कमेटी प्रेशर, और ऐसे ऐसे लोग का गार्जियन मानते हैं उम्र में हमसे बड़े हैं, हम उनको भी वचन दे रखे हैं कि आपके रिटायरमेंट से पहले पेंशन तक दिलवाएंगे, अब आपका आशीर्वाद, सब लोग को परिवार के जैसा लेके चलिए और इसे निर्णायक आंदोलन का यहाँ से घोषणा होना चाहिए, हम निश्चित रूप से चाहेंगे कि तालाबंदी की भी घोषणा हो, मूल्यांकन में हम नहीं शामिल होंगे इसकी भी घोषणा हो, लेकिन सबका डेट निर्धारित करके चरणबद्ध तरीके से वार्ता भी होना चाहिए,
अभी वो राजू जी कह रहे थे जैसे वार्ता हो गया वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए, वार्ता हो तो सारे लोगों को बता के जानकारी में हो। मदन भाई से हम बात करते रहते हैं, हम हमेशा कहे हैं कि किसी भी तरह का विरोध बराज होगा लेकिन इस समन्वय समिति को अटूट बनाए रखेंगे। आप राजू जी का अपना की नाम नहीं आता, नाम आना चाहिए भाई सब संगठन के अध्यक्ष का नाम, यहाँ 28 को कुर्सी लगना चाहिए, आप 28 को संगठन पैसा नहीं है बोलिए, 2.5 लाख रुपया बेल कराने में खर्चा हो गया, समन्वय समिति नहीं दिया, पल्ला झाड़ दिया। हम तो उस समय भी धन्यवाद देते हैं जो लोग इस हमको थे, अगर वह प्रतिरोध मार्च नहीं होता 27 तारीख को हमारा बेल नहीं हुआ होता, इसलिए हम उनको भी धन्यवाद देते हैं जो प्रतिरोध मार्च में, लेकिन समन्वय समिति कहे नहीं किया भाई, आपके नेतृत्व में वहां पर दर्शन हो रहा था, आपके नेतृत्व में वहां प्रदर्शन हो रहा था, अगर एक बहन गेट के उस पार चले गए तो कौन सा अपराध उसका हो गया, कौन सा बड़ा अपराध वो बहन कर दे, अगर उनको 15 साल से स्थानांतरण नहीं मिला है, उनका पारिवारिक जीवन तबाह हो गया, उनका अपने पति पत्नी का रिलेशन खत्म हो गया, भाई बहन का रिलेशन टूट गया, अगर उनका इतना आक्रोश था कि वो गेट के उस पार चले गए तो अवेलेबल था, तो क्या पुलिस उसको मार देती, क्या उसको बचाने के लिए अगर आने पर आगे बढ़ा तो उस पर राजनीति कर लेगा आप लोग, लिख के आवेदन में देते हैं प्रदर्शन करेंगे बैठ करते धरने पर, तो हमारी गलती है इसमें, हम जेल में थे बैल कैसे होगा इसकी चिंता नहीं, मेरे संघ के लोग सबके सब भीतर अगर चले गए होते मेरे साथ बिपिन बाबू अकेले गए बार बाकी सब था तभी ना बैल करा लिया, नहीं तो इस समन्वय समिति में झोंक दीजिए यहीं पर कौन वाला दीजिए धक्का दीजिए हम चले जाते हैं हल्के मुस्कुराते, इसलिए हम प्रार्थना करेंगे जो हो गया सो हो गया, आगे चले सबको लेके सब चलिए, ब्रजवासी जी भी सर बुलाइए उनको आगे के बैठक में, सारे लोगों को लेकर चलिए, और कोई बात से हमारा किसी के भावना को आहत पहुंचा हो तो हम उनसे गर्भवत प्रार्थना करते क्षमा मांगते हैं, और खास करके संयोजक महोदय से भी आपके सामने ऊंचा आवाज में बोलने का हमारी हैसियत तो है नहीं लेकिन बोला गया है तो एक संगठन के अध्यक्ष होने के नाते अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करने के लिए इसलिए उसके लिए भी क्षमा चाहते हैं, तमाम भाई बहनों का इस क्रांतिकारी स्वागत करते हैं बैठक में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं।